Reading comprehension. The Indian cricket team is the current World Cup champion. भारतीय क्रिकेट टीम करंट में वर्ल्ड कप चैंपियन है. इन एडिशन ऑफ विनिंग द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप दे डिड विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983. 2011 में वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के अलावा 1983 में भी वर्ल्ड कप इन्होंने जीती थी. इंडिया वाज आल्सो ए होस्ट नेशन फॉर द वर्ल्ड कप 2011. इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 में मेजबानी भी की थी. द कप्तान ऑफ इंडियन टीम वाज महेंद्र सिंह धोनी एंड द टीम वाज कंसीडर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग साइड ऑफ द टूर्नामेंट. इंडियन के टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और इन्हें मजबूत बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम को मजबूत बल्लेबाजी भी माना जाता था. कंसीडर स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड द टूर्नामेंट. टूर्नामेंट में मजबूत बैटिंग माना जाता था. द फाइनल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप वाज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. फाइनल मैच वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया. हेल्ड एट वानखेड़े स्टेडियम मुंबई. भारत और श्रीलंका के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में यह फाइनल मैच खेला गया. श्रीलंका वाज द टॉस एंड चूज द बैटिंग फर्स्ट. श्रीलंका टॉस के द्वारा श्रीलंका ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग फर्स्ट बैटिंग करना चूज किया. दे पुट अप द फॉर्मेडेबल टोटल ऑफ 274 in 50 ओवर. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने 50 ओवर पर 274 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. इन रिप्लाई इन द फर्स्ट फ्यू ओवर थ्रो इंडिया सफर्ड बैडली विद द लॉस ऑफ फ्यू क्विक विकेट. जवाब में पहले कुछ ओवरों में भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. Few overthrow India suffered badly and loss of the few quick wicket. Starting में first कुछ over उन्होंने गिराए थे but soon very overcome and with the massive six of Dhoni India left off World Cup 2011. कुछ त्वरित विकेट जल्दी उन्होंने जीत हासिल की और बड़े पैमाने पर धोनी के छक्के से भारत ने जीता वर्ल्ड कप 2011. महेंद्र सिंह धोनी वाज द अवार्डेड द मैन ऑफ द मैच एंड युवराज सिंह द नेम ऑफ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट. 2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया एंड युवराज सिंह को द मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड से क्लास थर्ड के इंग्लिश पेपर के सैम्पल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ. ये पैराग्राफ्स पैसेज हमने पढ़ लिए, इसको समझ लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे. चलिए इससे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं. सिलेबस हमारा क्लास थर्ड सिल्वर जोन ओलंपियाड का. जो भी आपका बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ता है और उसके जो सिलेबस होते हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहते हैं, बस सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ डिफरेंट हो जाता है. करेक्ट एप्लीकेशन ग्रामर में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, यूजेज ऑफ पोजेसिव, टेंसेस, एलिमेंट्री, एरर फाइंडिंग. नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं, मार्क्स 3 होते हैं, सो टोटल मार्क्स 30 हो जाते हैं. वोकैबुलरी नॉलेज, जंबल वर्ड्स, साइनोमियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट. से नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहते हैं एंड मार्क्स 3 पर क्वेश्चन, सो 24 टोटल मार्क्स. एंड रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल, कम्प्रीहेंशन एबिलिटी 3 क्वेश्चन रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 9. राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जंबल सेंटेंसेस एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इससे 4 क्वेश्चन रहते हैं एंड टोटल क्वेश्चन 12 होते हैं.
एक्सेलेंस जोन्स जो कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन के नाम से जाने जाते हैं या स्कॉलर जोन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन जो है इसका सिलेबस जो होता है ऊपर जो भी हमने सिलेबस देखा इंग्लिश के इसी सिलेबस से इस सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है। सॉरी तो टोटल क्वेश्चंस 30 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं और ड्यूरेशन टाइम्स इसके जो है ड्यूरेशन टाइम आपका 40 मिनट्स का इसका टाइम रहता है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री वाज द होस्ट नेशन ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड 2011 ने किस कंट्री ने वर्ल्ड कप क्रिकेट को होस्ट किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 में इसको होस्ट किया था जो बॉम्बे में स्टेडियम वानखेड़े में इस मैच को खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु वाज द नेम ऑफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007? मैन ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप क्रिकेट 2007 में कौन था? तो ए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड युवराज सिंह। सो करेक्ट आंसर हो जाता है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह को दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन थ्री बेस्ड ऑन प्रोनाउन, प्रोनाउन पे ये क्वेश्चन हमारा बेस है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द गिवन सेंटेंस विच प्रोनाउन विल रिप्लेस इंग्लिश इन द सेकेंड सेंटेंस? इस सेंटेंस में इंग्लिश जो सेकेंड सेंटेंस में दिया गया है वहां पर प्रोनाउन के रूप में क्या आएगा? इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज स्पोकन इन मोर देन 100 कंट्रीज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और यह मोर देन 100 कंट्रीज में 100 कंट्रीज में बोली जाती है। यहाँ पर सेकेंड बार जो इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है इसके लिए प्रोनाउन के लिए क्या यूज होगा? ए ही, बी सी, दे या डी इट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इट। क्वेश्चन नंबर फोर, आई मीट डैश यूरोपियन हु लव्स टू विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमें लिखना है। तो आई मीट ए ऑफ, बी एंड सी, द डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑफ, आई मीट अ यूरोपियन हु लव्स टू विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्शन, द क्वेश्चन फाइव, फाइंड द शाइनोमियम ऑफ द वर्ल्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। नंबर फाइव में हमें शाइनोमियम से वर्ड बताना है अपराइट का। शाइनोमियम मीन्स समान अर्थ वाले शब्द, अपराइट मीन्स होता है ईमानदार। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। डिसऑनेस्ट बेईमान, सी प्राउड मतलब गर्व करना और डी ऑल ऑफ दी या सभी। सो करेक्ट आंसर फाइव का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वालिफाई, इन द क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो क्वालिफाई। की करेक्ट स्पेलिंग हमें लिखनी है ऑप्शन ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी क्वालिफाइड, क्यू यू ए एल आई एफ आई ई डी, क्वालिफाइड इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इज द बेस्ट ऑफ कंजक्शन, यहाँ पर हमें कंजक्शन बताना है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ज्वाइन द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो करेक्टली। दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं जिसको कंजक्शन के द्वारा हमें कंबाइन करना है और बताना है कौन सा सही है। Mr. Strip has been sick. He has been so since coming back from the USA. A. Mr. Strip has been sick since morning come back from the USA. B. Mr. Strip has been sick as coming back from the USA. C. Mr. Strip has been sick
till coming back from the USA या डी ऑल ऑफ DC. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिस्टर स्टीव हैज बीन सिक सिंस कमिंग बैक फ्रॉम द USA. मिस्टर स्टीव USA से वापस आने के बाद से बीमार हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी. एनालॉजी मीन्स एंटोनियम्स वर्ड हमें दिखाना है. डिफरेंस इफ प्राइम मिनिस्टर इज टू कंट्री देन चीफ मिनिस्टर इज टू ए कंट्री, बी स्टेट, सी डिस्ट्रिक्ट या डी विलेज. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्टेट. एनालॉजी इसका जो है स्टेट हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर स्टेट. डायरेक्शन क्वेश्चन 9 इज बेस्ड ऑन वर्ब. नंबर 9, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपेट फ्रॉम वर्ब टू ग्रो. ए ग्रोन, ग्रू, सी ग्रोन, डी ग्रोइंग. ग्रो शब्द का वर्ब पार्टिसिपेट क्या हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ग्रोन. ग्रोन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, फिल 1, 2, 3, 4 एंड PQRS टू मेक मीनिंगफुल स्टोरी. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है. देयर वॉज ए बॉय हु लिव्ड इन अ इंडियन विलेज. एक लड़का था जो भारतीय गांव में रहता था. इट्स नेम वॉज रामू. उसका नाम रामू था. डैश एंड डैश. वन डे ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड ऑन द ओपन एरिया नियर द विलेज. एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खुले जगह पे गांव में खेलने गया. डैश सेकेंड नंबर पर यहाँ पर क्या होगा. एवरी बॉडी फ्लूड अवे. सभी लोग भाग गए एक्सेप्ट रामू. रामू को छोड़कर. ही पिक अप अ स्टिक एंड हिट द लियोपॉड ऑन हिज हेड सेवरल टाइम्स. डैश बट द वाई डिड नॉट रिटायर इन द. In meantime, other people from the village came the help of him. यहाँ पर गांव के दूसरे लोग आए और उसकी मदद करने के लिए. तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी. यहाँ पर होगा फाइनली द लियोपॉड रन अवे. यहाँ पर क्या होगा फाइनली द लियोपॉड रन अवे. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. और अभी हम सिल्वर जोन और हम बैड क्लास थर्ड के सभी पेपर्स के एक एक करके आपके लिए सैम्पल पेपर और सिलेबस लेकर आ रही हूँ. तो क्लास थर्ड के आप सभी पेपर के सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर पार्टिकुलर किसी क्लास के सैंपल पेपर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें. थैंक यू.